हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक रेसी गुजरात में आपका स्वागत है। केरालू से 15 किलोमीटर की दूरी पर हम उनाद गांव के अंदर आए हैं। ये रास्ता इधर की तरफ जा रहा है और ये रास्ता केरालू की ओर जा रहा है। हम शाम का पता के लिए जा रहे हैं घटना स्थल पर। स्नेक रेसी गुजरात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज रोज हम वडनगर तालुके के उनाद गांव के अंदर आए हैं। केरालू से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ आए हैं। ये लोग सब देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सामने यहाँ सांप है। इसके अंदर सामी सांप है। और अभी अभी हमने देखा वो भारत का स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। ये किसी को काटता है तो हैरान परेशान के हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं भाई ऐसे सांपों से आप सावधान रहिए। यहाँ बाजू में स्कूल है तो स्कूल के लड़के यहाँ सांप को देखने के लिए आ गए हैं। इधर से भी आते हैं दौड़ दौड़ के सामने। हम सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं क्योंकि ये जहरीला सांप है। ना नहीं दौड़ तो उन दो उनको नहीं उन दो आठ दस लोग हैं ना तो नहीं इतना देखो। हेलो दोस्तों, इस होल के अंदर से वीडियो बनाओ यार। चलो वीडियो बनाओ, बराबर नहीं बने। हमने इस महाकाय कोबरा सांप इधर देख कहाँ हमने इसको सही सलामत पकड़ लिया है। और हम सामने वाली बरनी के अंदर इसको पूरे के अंदर और जहाँ कोई ऐसा जंगल होगा जहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं होगा ऐसी सुनसान जगह पर हम इसको रिलीज कर देंगे। और ये लोग मारने पर तुले हुए थे, हम आए और इसकी जान बचाई और हमने इसको इस डब्बे के अंदर बुनने की कोशिश कर रहे हैं और बुन के इसको जहाँ जंगल के अंदर छोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, इस महा का कोबरा सांप हमने महा मेहनत के बाद डब्बे के अंदर कैद कर लिया है और इसको हम सही सलामत पकड़ लिया है। इस कोबरा सांप को हमने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और इसको हमने इस बल्डी के अंदर कैद किया है
और आजू बाजू छेद कर दिया है ताकि इसकी भी जान चलती रहे। हमने हमारी जान पर खेल कर ऐसे सांपों को हम रैठान विस्तार में से पकड़ कर जंगल विस्तार के अंदर रिलीज कर देते हैं। और ये बहुत भयानक कोबरा जाति का सांप है, इसलिए हम बार बार कहते हैं लोगों को कि आप रात के समय कहीं घर के बाहर निकलते समय बैटरी का जरूर उपयोग करें, क्योंकि इस सीजन के अंदर बहुत सांप निकल रहे हैं। हम रोज के 3 से 4 सांप रेस्क्यू कर रहे हैं और किसी को भी दाखिलदारी के सांप काट जाता है तो आप कोई जंतर मंतर या जादूगर में विश्वास ना करें, सीधा दर्दी को हॉस्पिटल से रवाना करें, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएंगे तो दर्दी की जान बन सकती है और भूए भवाड़े में कोई दवा नहीं होती, इसीलिए सावधान रहे। अभी केसरपुरा में एक लड़की को काटा हुआ था, आधा पाँव उसका सड़ गया, इसीलिए हम कहते हैं कि आप ऐसे कोबरा सांपों से सावधान रहिए। ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई खेराल को फ़ोन करके बुलाया, बहने पकड़ वाला हाथ पकड़ी गई और आयन पकड़ी गया तो वाला मारल हो तो आयन पकड़ी छोड़ी मेरे जंगल में बनना कर हमने इस शाम का सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और हम इसको अब तैयारी करें जंगल विस्तार के अंदर छोड़ देंगे। दोस्तों, आप किसी घर में सांप आ जाए तो कभी इसको मारना नहीं, और मारने से इसको दुख हो रहा है और इसीलिए हम कहते हैं किसी को रेस्क्यूअर या हमारे जैसा कोई सांप पकड़ने वाला हो उसको सांप पकड़ कर जंगल विस्तार में छोड़ देने का आग्रह रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले भी लगभग 6 से 8 से 6 महीना पहले हम यहाँ आए थे और सामने बाथरूम के अंदर से हमने एक सांप पकड़ा हुआ था, और आज 6 महीने 7 महीने बाद हम वापस इस गांव में उड़ाद के अंदर आए हैं और इस सांप का हमने सही सलामत पकड़ लिया है और ये सब पब्लिक दौड़ दौड़ के देखने आ रही है। हम इसको अब जंगल के अंदर रवाना हो रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अभी हमने वडनगर तालुके के उनाद गांव से जो महाकाय कोबरा सांप का रेस्क्यू किया है उसको हम जंगल विस्तार में रिलीज करने जा रहे हैं। हम इसको जंगल में छोड़ रहे हैं, लेकिन देखो फैन फुलाए बैठा है, ढक्कन भी खोलने में दिक्कत पड़ रही है, लेकिन क्या करें, इसकी भी हमने जान बचानी है और हमारी भी जान का परवाह करनी है। देखो हमारे सामने फूके मर रहा है और घूर घूर कर देख रहा है। हेलो दोस्तों, इस शाम को हमने आज़ाद कर दिया है। हम उसको उसके रास्ते भेज दिया और हम हमारे रास्ते जा रहे हैं। धन्यवाद।